स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बीआई। तो टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैटर एंड नॉन मैटर। मैटर एंड नॉन मैटर बेसिकली क्या है कि जो मैटर्स होते हैं जितने भी मेरे पास और जितने भी मेरे पास नॉन मैटर है उनके बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास, अगर मैं एग्जामिन करूं तो कि मेरे इस बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल है, राइट। तो यहां से कहीं एक ऐसी सी लाइन सी निकलती होती है, इस साइड वाले सारे मैटर होते हैं, उस लाइन के उस साइड में सारे नॉन मैटर होते हैं। तो मैटर्स की क्या खासियत होती है पहले हम ये देख लेते हैं। बेसिकली मैटर्स जो होते हैं मेन, पहले तो ये हार्ड होते हैं, सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। पहली खासियत इसकी यह है कि ऑल द मेटल्स एट रूम टेम्परेचर हैव सॉलिड फॉर्म। मतलब ये सारे के सारे किसमें होंगे, सॉलिड्स में होंगे। कोई ज्यादा सॉलिड्स होता है, कोई कम होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है इसका, मर्करी HG। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे मेरा लिक्विड की फॉर्म में होता है, अदरवाइज ऑल द मेटल्स हैव इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सेकंड है मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टरस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मेरे पास मेटल्स हैं उनका जो सरफेस होएगा वो एक शाइनिंग सरफेस होता है। अगर मैं एग्जांपल करीब बात करूं तो हमने आयरन देखे हैं, आयरन नॉर्मली देखने को मिल जाता है। जब हम आयरन को प्रॉपरली साफ कर लेते हैं तो उसका एक सरफेस है, वो शाइनिंग सरफेस सा निकल के सामने आता है। तो मेटालिक लस्टरस में क्या होता है कि ऑल द मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस और उस चीज को कहते हैं मेटालिक लस्टर। उसके बाद है मेटाबिलिटी, मैलेबिलिटी में क्या होता है कि जो मेरे पास मेटल्स हैं उनको पीट कर, बेसिकली हम इजिली पीट कर उन्हें या उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर देके एक शीट्स वगैरह में या स्क्वायर शीट्स वगैरह में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब चादरें जो होती हैं वो हम उसकी बना सकते हैं मेटल्स की। उसके बाद है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में क्या होता है कि जो मेरे पास जितने भी मेटल हैं सभी को हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कॉपर है मेरे पास, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनकी वायरिंग आती है। एल्यूमिनियम का तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं उनमें भी यूज होता है, ठीक है। कॉपर की वायरिंग तारें आती है, राइट। और गोल्ड, एजू, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हम 1 ग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है गोल्ड की। तो गोल्ड एक अकेला ऐसा मेटल है जिसकी हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद है मेटल होंगे कंडक्टर, होंगे ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब क्या है इसका कि जितने भी मेरे पास मेटल हैं सभी में से मैं इजिली करंट पास करा सकता हूँ, इजिली हीट पास करा सकता हूँ, ठीक है। वो क्यों होती है, कंडक्टर होने का बेसिकली मतलब होता है कि फ्री फॉल ऑफ चार्ज होना, कहीं ना कहीं कि जो चार्ज है मेरा मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीली मूव करें ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते रहें एक दूसरे को, और उससे क्या होगा उसमें से करंट और हीट इजिली पास हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऑल द मेटल हैव कंडक्टर। तो सेम सारे के सारे मैटर कंडक्टर होते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन सेम मर्करी है। मर्करी कंडक्टर तो होता है बट पूर कंडक्टर होता है। मर्करी इज पुअर कंडक्टर, मर्करी में से हम इजिली मतलब पास तो हो जाती है बट इतनी गुड कंडक्टर हम मर्करी को नहीं कह सकते, ठीक है।
उसके बाद वो बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स की तो लगभग हमने कर ली बात, तो नॉन एक सेकेंड तो नॉन मेटल में बेसिकली जो सॉलिड कैरेक्टर होता है वो कई सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैस में भी कह सकते हैं कि हम होएंगे। नॉन मेटल्स में पहले तो मेटाबिलिटी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी नहीं होती, ठीक है। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं तो कुशक नॉन मेटल होएंगे मेरे, एक सेकेंड, अब ये नॉन मेटल्स होते हैं जो ज्यादातर सॉलिड और गैस में कह सकते हैं हम हो सकते हैं। एक तो नॉन मेटल है फॉर एग्जांपल ब्रोमीन Br, जो कि होता है लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्यादातर जो नॉन मेटल है मेरे किस में होंगे, सॉलिड एंड गैस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सॉलिड में कार्बन आ गया, ठीक है। कार्बन के आइसोट्रॉप्स जो होते हैं बेसिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में कह सकते हैं। उसके बाद गैस का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ठीक है ये एग्जांपल आ गया, क्लोरीन आ गई, क्लोरीन है, तो ये मेरे एग्जांपल है कुछ, ठीक है। अब सेकेंडली बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट की। तो जो नॉन मेटल होते हैं मोस्टली वो हार्ड होते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब हीरा देख लो, हीरा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट है, सेम कंपाउंड से बना हुआ, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो इसका कुछ हम आइडियली कह नहीं सकते। उसके बाद है मेटेलिक लस्टर, नॉन लस्ट्रस। अब लस्ट्रस में सिर्फ इसका एक ही नॉन मेटल आता है, वो है आयोडीन। आयोडीन का जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस होता है, उसके अलावा किसी भी मेटल का सॉरी नॉन मेटल का सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होता, ठीक है। और कार्बन इसमें एक ओनली, जो मेरे पास कार्बन है, ज्यादातर जो मेरे नॉन मेटल होंगे सारे के सारे पूर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर होंगे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, बट कार्बन एक ऐसा मेरे पास नॉन मेटल है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है जो सेल्स वगैरह होते हैं अपने, ठीक है, उनमें ग्रेफाइट यूज किया होता है। ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन ही होता है, ठीक है, नहीं तो ज्यादातर क्या है वो पेंसिल से लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बल्ब जगाते हैं, बीच में दो तारे पेंसिल की दोनों साइड जोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें से करंट पास करा के बल्ब जगाया जाता है, तो वो भी एक तरह से एग्जांपल कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, इनकी मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। पहले मेटल की बात करते हैं, फर्स्ट जो मेरे पास है वो है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, सिंपली क्या करना है हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है मेटल को। तो ये तो सिंपली पता ही है हमें कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटैलिक ऑक्साइड बनाएगा। और जो नॉर्मली होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है जहां पे मेटल्स मिलते हैं या नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो वो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्साइड की फॉर्म में मिले। उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो उसकी वजह से जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरे पास सोडियम है, उसकी मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी और मेरे पास Na2O सोडियम बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया बेसिकली, ठीक है। और क्या है, कॉपर है प्लस में ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी, ठीक, ओके, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2, हाँ।
नेक्स्ट मेरे पास है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो Al2O3, तो ये ऐसे कुछ बनाता है। तो इसके मेरे पास 4 और इसके 3, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं फर्दर रिएक्शन करा दूं किससे, मैंने HCl यानी कि एसिड और बेस NaOH से रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये क्या बनाएंगे? अगर इसने HCl से रिएक्शन की तो AlCl3 प्लस में H2O, बैलेंस तुम कर लेना। उसके बाद क्या है, NaOH से अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो ये बनाएगा NaAl NaAl2 प्लस में H2, ठीक है। अब जो मेरे पास ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से एज वेल एज बेस से रिएक्शन दे, दोनों से रिएक्शन दे दे, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। और एग्जांपल, अगर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, Fe3O4 है। Fe3O4 की जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा, एक सेकेंड, नहीं Fe3O4 की नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। तो एक ही बहुत है, ये रिएक्शन काफी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जैसे मैं एसिड और बेस से रिएक्शन कराता हूं तो वो मुझे क्या देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये जो ये ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन दे कर लेते हैं, इस वजह से इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद क्या है, अगर अब जैसे मैंने ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया था जहां पे, अगर इसी सोडियम ऑक्साइड को मैं Na2O और वाटर में डिजोल्व कर देता हूं तो जो भी मेरे पास क्या बनाएंगे, ये मेरे पास NaOH बनाएंगे, और इस NaOH को बेस, तो बेस कहते हैं, दिस इज बेस, और अदर नाम इसका अल्काइलीज भी है। अल्काइलीज का मतलब भी बेस ही होता है और इसका मतलब भी बेस ही होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू विल बी परफॉर्म, सॉरी, हाउ वी विल फॉर्म अल्काइलीज, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और हमें मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, और उस हाइड्रोक्साइड को अल्काइलीज या फिर बेस कहेंगे, सिंपल। हाँ, उसके बाद वाटर से ही रिएक्शन है मेरी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है मैंने करानी है वाटर से। रिएक्शन विद वाटर, अब मेटल को लेना है, वाटर से रिएक्शन करानी है, तो देखेंगे क्या बनेंगे। तो मेटल वाटर एक्सटेंड टू मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो Na प्लस में H2O, दो मॉलिक्यूल इसके, नहीं इसके ज्यादा लगेंगे, तो ये बनाएगा Na2O प्लस में H2, ठीक है, इसकी दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, सिंपल। और इसके भी दो लगेंगे,
सॉरी एक सेकंड, ये बनेगा जब हॉट वाटर का हम यूज करेंगे। अगर मैं इसकी जगह कोल्ड वाटर का यूज करता हूँ, रिएक्शन बैलेंस खुद से कर लेना यार, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह कोल्ड वाटर का यूज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये, प्लस में हाइड्रोजन गैस, और साथ में बहुत सारी एनर्जी इसमें रिलीज होगी, ठीक है। क्योंकि सोडियम को जैसे ही वाटर में डालते हैं हम, तो वो एक्सप्लोजन करता है, ब्लास्ट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हमारे पास वो होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनाएगा अगर कोल्ड वाटर है, और कुछ ऐसे मेरे पास मेटल्स हैं जो कि वाटर से रिएक्शन देके हर बारी क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। एग्जाम्पल मेरे पास है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्लस में H2, चाहे तुम कोल्ड वाटर यूज करो चाहे तुम वार्म वाटर यूज करो, उसने क्या देना है, Al2O3 ही बनाना है, और Fe प्लस में H2O तो Fe3O4, इसने भी मेटल ऑक्साइड, ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट है मेरी रिएक्शन है जो एसिड के साथ, अब एसिड से कैसे रिएक्ट, एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं मेरे मेटल। तो एसिड से तो हमने ये पहले एसिड वेस्ट चैप्टर में पिछली वीडियो में देखा है कि जो एसिड होता है एसिड से रिएक्ट करके तो उन्होंने साल्ट ही बनाना है। तो सिंपल कि मेटल प्लस में एसिड स्टैंड टू साल्ट और हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। मेटल ले लो Na प्लस में HCl, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में H2, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्म होएगा। उसके बाद है एक्वारीजिया, इसमें क्या था एग्जांपल और उठा सकते हो, Na प्लस में H2SO4, तो मेरे पास Na2SO4 प्लस में H2 गैस प्रोड्यूस होगी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जाता है जो कि हाई रिएक्टिव, या फिर जो ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते, या ऐसी चीजें हैं जो एसिड से भी डिजोल्व, एसिड में भी डिजोल्व नहीं हो रही, तो उनके लिए एक अलग तरह का, एक तरह से अपडेटेड फॉर्म या एडवांस फॉर्म ऑफ एसिड ही कह सकते हैं, तैयार की जाती है, जिसमें कि मेरे पास HCl प्लस में HNO3 का यूज किया जाता है। इसका होता है 3:1 में यूज, तीन मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल इसका। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम HCl और OH को दोनों को कंबाइन करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को एक्वारीजिया कहते हैं। उसका उपयोग जो है वो हाईली जो ऐसे मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड में भी डिसॉल्व नहीं हो रहे, उनको डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं अपने HCl के, और एक होता है HNO3 का। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो जैसे ही हम एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का और तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक साथ कंबाइन करते हैं, तो उससे हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव
या कह लें हाईली एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और उसे हम एक्वारिजिया कहते हैं। इसका यूज जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, एग्जांपल हो गया गोल्ड सिल्वर, उनको डिसॉल्व या उनकी रिएक्शन के लिए कह सकते हैं, या फिर जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इजीली रिएक्ट नहीं हो रहे, इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहे किसी भी एसिड में, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर अब हमने क्या है कि चैप्टर फर्स्ट जो था अपना उसमें दो रिएक्शन पढ़ते थे हम, एक तो थी डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अब कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता था कि एक जो मेरे पास एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता था, उसकी पोजिशन खुद ले लेता था। ठीक है, मान लो मेरे पास अब जिंक है, प्लस में मेरे पास कॉपर सल्फेट है, और एक तो ये रिएक्शन है, एक मेरे पास जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर है, ये अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने करनी है, तो इजीली मुझे पता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, ZnSO4, क्योंकि जिंक इसको रिप्लेस करेगा और कॉपर, तो इसमें क्या है, कॉपर जिंक को रिप्लेस करेगा Zn, राइट। तो ज्यादातर स्टूडेंट यही लिखेंगे, बट इस केस में क्या होता है, ये तो चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, पर जो ये वाली रिएक्शन है इसमें जो कॉपर है वो कॉपर मेरा जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है जिंक से, इस वजह से ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये रिएक्शन जैसे कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में तुम डालोगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया तो जिंक सल्फेट के साथ कॉपर अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसका डिसाइड हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो मैं अब ड्रॉ करता हूं यहां पे, एक सेकेंड। तो ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो ये वाले मेटल है ये हाई रिएक्टिव मेटल है, दिस इज मिडल लोअर मिड रिएक्टिव एंड दिस इज लोएस्ट लोअर रिएक्टिव, यानी कि डाउन दी ग्रुप पर एक्टिविटी मेरी यहां पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो जिंक कहां पे है, इस जगह पे कॉपर है यहां पे, तो जिंक इजिली कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बट कॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर उतना रिएक्टिव है नहीं, ठीक है। जिंक उतना रिएक्टिव है, जिंक इजिली अपना उसको रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन को एक तरह से बेस कंसीडर किया जाता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो हाई रिएक्टिव में रखे गए हैं, उसके बाद जो ये नीचे वाले होते हैं इसको लो रिएक्टिव मैटर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब है मेरे पास कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज होगी, नॉर्मल ही है, इजी है, इस पर कुछ बड़ी बात है नहीं। इसमें बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कौन सा किसको रिप्लेस करेगा, अगर कहीं पे नीचे वाला किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में पड़ा है तो ऊपर में से कुछ भी डाल दो तुम उसको रिप्लेस कर ही देना है। जैसे कॉपर सल्फेट का तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, उसमें तुमने जिंक डाला, एल्यूमिनियम डाला, मैग्नीशियम है, इनमें से कुछ भी डाल दो, कॉपर की जगह वो ले लेगा इजीली, ठीक है। तो अब है मेरे पास कि जो रिएक्शनें हम पढ़ते हैं वो रिएक्शनें होती कैसे, एक्चुअल में प्रोसेस चलता कैसे, मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें मेरे पास क्या है कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं सोडियम का Na और Cl, अब ये मेटल है और दिस इज नॉन मेटल,
मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे रिएक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए मुझे इसके पहले एटॉम के नंबर पता होने चाहिए। इसका एटॉम के नंबर होता है 11 और इसका होता है 17। ऐसे बनते हैं शेल्स जो 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, के एल एम एन। के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हम भर सकते हैं, इसमें भी 8 स्टेबल होते हैं और इसमें होते हैं 18। ठीक है, ये इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन के एक शेल में भर दिए, के शेल कंप्लीट हो गया, राइट। अब बचे कितने, 8 इसको दे दिए, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके अलावा 10 और एक बचा वो गया लास्ट शेल में। अब इसमें क्या है, सेम 2, 8 और 7। ठीक है, ये मेरे पास इनकी इलेक्ट्रॉन संरचना। जो अब जो ये वाले हैं, ये वाली जो शेल है, इस शेल को कहते हैं आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल भी कह देते हैं इसे और बैलेंस शेल भी कह देते हैं। जो बैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो एनए जो बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है एक वो इसके ऊपर से, चाहे तो डॉट से रिप्रेजेंट कर दो चाहे क्रॉस से। उसी तरह सीएल और इसके जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितने हो गए 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 चाहिए। अब जो होता है सिस्टम की, किसको हम इजीली फिल कर सकते हैं, किसको फिल करना थोड़ा मुश्किल है। अब क्या है, अगर सोडियम को हमने स्टेबिलिटी के तौर पे लेके आना है तो इसमें हमें 7 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज में डालना या फिर मेटल को देना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है, तो मेटल ज्यादातर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑल द मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हर वक्त। तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद स्टेबल होएगा। तो इसने जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ये, और यहाँ पे इसके पास 0 रहेगा, मतलब ये शेल खत्म, अब ये स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो इसने ये एक इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है इनकी रिएक्शन में कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा बंदा उसको कैच करता है, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इसमें क्या होएगा, अब इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसको सही से कितने हैं, 7 पड़े हैं, इसको एक यहां पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और ये ऐसे कुछ बन जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे प्लस चार्ज, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरे पास मेटल्स हैं उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए उस पे पॉजिटिव आया है, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए इस पे नेगेटिव आया है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वो NaCl मेरे पास बन जाएगा। ठीक है जी, मतलब एक बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन कैच करता है और दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाने से दोनों स्टेबल हो जाते हैं, सिंपल। उसके बाद मेरे पास इसका और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, बुक में दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, यानी कि MgCl2, वो भी हम इसमें ले सकते हैं। एक्चुअल में ये चीज ऐसी होती है मैं कि एक मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, फिर दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे इसने NaCl यहां पे फॉर्म किया और अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। अब उसके बाद है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स तो ऐसे कंपाउंड जिनको ब्रेक करने पे या जो जब हम उन्हें बना रहे हैं तब कहीं बीच में मेरे पास आयन्स फॉर्म। अब Na और Cl मैंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से Na प्लस Cl नेगेटिव बनाया। अब ये जो कंपाउंड है इनको कहेंगे हम आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन हो रही थी जब NaCl की, तो फॉर्मेशन के दौरान उसमें आयन्स बने थे। कौन कौन से, सोडियम का कैटायन या फिर सिंपली कैटायन, और ये है एनायन।
कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म हुए थे, फिर दोनों कैटायन और एनायन ने बॉन्ड बनाया था, तब जाके NaCl बना था। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड की खासियत क्या होती है कि इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि जो दोनों मेटल एंड नॉन मेटल जुड़े हैं इनमें जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड के वजह से एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। इस वजह से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, और एक चीज और, आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कह देते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी आयनिक कंपाउंड को ही कह देते हैं। ठीक है, और ये जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। और इनसॉल्युबल होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल केरोसिन हो गया जैसे, ठीक है, पेट्रोल हो गया, उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, और वाटर जैसे सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अक्रेंस ऑफ मेटल। अब मेटल की अक्रेंस यानी कि जो हमें मेटल मिल रहे हैं वो कैसे मिलते हैं, तो बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं मिनरल्स एंड अनदर वन इज ओर। मिनरल्स होते हैं जो भी मुझे मेटल्स मिल रहे हैं कहीं से भी, वो अर्थ क्रस्ट से जितने भी मेटल मिलते हैं उसे हम कहते हैं मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पे कोई स्पेसिफिक मेटल मिले उसे हम ओर्स, उस मेटल का ओर कहेंगे। ठीक है, ओर में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो एक पर्टिकुलर मेटल है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ओर्स में जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को रिप्रेजेंट किया गया है तीन पार्ट्स में। पहले हैं हाई रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। ठीक है, अब हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्टन मेल्टन फॉर्म, इलेक्ट्रोलाइसिस इन मेल्टन फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मेटल है, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं कि क्लोरोअल्केलिक प्रोसेस हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है कि तुमने एक बीकर लेना है या कोई भी कंटेनर कह लो, उसमें क्या करना है, एक तरह से इलेक्ट्रोड्स लगानी है दो, उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन होएगा, इसमें जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो होता है मेल्टन फॉर्म, मतलब कि ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो जिसको कि पहले मेल्ट किया जाता है। अगर तुम्हें कोई भी रॉ मटेरियल किसी मेटल का सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है तो उसे तुम पहले मेल्ट यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके आओ, फिर उसको इलेक्ट्रोड्स लगा के बैटरी से कनेक्ट करो और करंट पास करो। जैसे करंट पास करोगे तो इम्प्योरिटीज इसकी साइड में बैठना शुरू कर देगी ऐसे ऐसे, और जो अब जो मेटल है वो जिसमें किसी भी नॉन मेटल के साथ फॉर एग्जाम्पल जुड़ा है, मान लो NaCl है, NaCl क्या करना शुरू करेगा, अब एक कैथोड है एक एनोड है, राइट, तो कैथोड पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसी तरह ये ब्रेक होना शुरू होएंगे, फिर मान लो ये एनोड है और दिस इज कैथोड, तो क्या हो गया, मेरा जो इस पे है, इस पे नेगेटिव है तो सारे का सारा Na पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा
और Cl नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से मैं Na पॉजिटिव को प्योरिटी की फॉर्म में मैं उठा लूंगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे उसको, ठीक है। अब जो मिडल रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? तो मिडल रिएक्टिव मेटल की जो फॉर्म होती है मिलने की, दो फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। पहले होते हैं ये कार्बोनेट की फॉर्म में और सल्फाइड की फॉर्म में, या तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में हो या सल्फाइड की फॉर्म में हो। अगर ये कार्बोनेट की फॉर्म में है तो तुम इसका सिर्फ सीधा कैलकुलेशन कर दो, अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है तो इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन में मेरे पास, मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ZnCO3 है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है, इसको मैंने सिंपली हीट करना है। हीट करने से जैसे ही, अब मैंने पहले पिछली जो हमने क्लास देखी थी उसमें हमने रिएक्शन पढ़ी थी मेटल कार्बोनेट की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही मैंने ZN को हीट करूंगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ZN ऑक्साइड, और हमें मौका चाहिए गैस निकालने का, तो गैस निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, कैल्सिलेशन से मेरे पास ऑक्साइड बनते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या मिलेंगे, मुझे ऑक्साइड मिलेंगे, और उन ऑक्साइड को तो मैं इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर ही सकता हूँ, ऑक्साइड को तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसकी तो रिडक्शन करा दो सिंपली। तो रिडक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड की रिडक्शन के बाद क्या होएगा, उसकी रिडक्शन करा दो, रिडक्शन से मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्शन तो पता ही है क्या होती है, हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन का लॉस कराना है बस। अगर मुझे रस्टिंग में, अब क्या होता है कि तुम्हें ZnS मिला है, एस मतलब सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड मिला है, तो उससे क्या होएगा, उसकी रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से। जैसे ही जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे और विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब करना क्या है, ZN सल्फाइड को जलाना है, ठीक है। तो मेरे पास ZN ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होएगी, ठीक है। और यहां से फिर मेरे पास क्या मिल रहा है, ऑक्साइड, और उसकी मैं फिर सिंपली क्या करूंगा, रिडक्शन करा के मैं उसे वहां से प्योर मेटल निकाल लूंगा। अब रिडक्शन के लिए इसमें CS यूज कर सकते हैं हम, कार्बन सल्फाइड, ठीक है, या और बहुत सारे सॉल्वेंट जहाँ आते हैं रिएजेंट, इसके रिडक्शन में हम इजिली यूज कर सकते हैं। अब जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम टाइप्स, उन वो मिलते हैं ज्यादातर सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है। तो उसकी करेंगे हम फिर रस्टिंग, और फिर उसकी करेंगे रिडक्शन, रस्टिंग से हमें ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, या फिर हाँ मेटल ही मिल जाएगा, रस्टिंग से हमें मेटल मिल जाएगा, ठीक है, मतलब रिडक्शन करा के मेटल मिल जाएगा, फिर रिफाइनरीज में जाके उसे, उसकी लेयर को प्रोटेक्ट कर लेंगे हम, प्रोटेक्शन करेंगे उनकी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि लोहे पे जो हमारे पास रस्टिंग या फिर जंग टाइप लग जाती है उसे हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब इससे प्रिवेंशन के कैसे कैसे हम बचा कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो जो आयरन होता है, आयरन पे जो रस्टिंग होती है वो ब्राउन कलर की आती है, ठीक है। गोल्ड या फिर अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो उस पर ग्रीन सी कलर की रस्टिंग आती है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर हम आयरन की बात करें तो उसमें हम बेसिकली कलर करते हैं, ठीक है। तो वो कलर किस लिए होता है, वो प्रिवेंशन के लिए ही होता है। जो मेरे पास आयरन है उसको मैं रस्टिंग, या फिर रस्टिंग क्या है कि उसको नमी के संपर्क में आने से बचाता है सिंपली। कई बार उस पर जो होते हैं मेटल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल कई बार जिंक मेटल होता है, उसकी भी एक प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, या फिर जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव मेटल कह लें गोल्ड एंड सिल्वर, उस पर जिंक की एक तरह से लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। वो लेयर क्या करती है, लोहे से प्रोटेक्ट करती है, लोहे से क्या, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करती है, क्रोजन नहीं लगने देती उसे, ठीक है। अब इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म है, तो इसके जो वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं वो PDF के तौर पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सॉल्व करें।
अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी तैयारी और बढ़ाएं, और ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़े टाइम ही रह गए।